ये तो करण का कमरा है, यहाँ क्यों भेज दिया? और आज करण कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है, कभी फालतू में हंसता रहेगा, कभी यही यही करके कुछ वगैरह। यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है? टॉवल्स लेकर निकलती हूँ। ये तो टिश्यूज है, नैपकिन, ये भी ले लेती हूँ। हेलो, आंखें खोल सकती हो तुम? डर क्यों गई? कपड़े पहने मैंने। तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई। रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। डोंट टच मी। Who wants to touch you? You want to touch me. Oh really? I want to touch you. तुम मेरे वॉशरूम में खड़ी हो, मेरे घर में घुसती हो, मेरे बेडरूम में घुसती हो, and I want to touch you. ये अपनी जो बुरी नजर है ना, ये मेरे ऊपर से हटाओ मिस साइको। तुम्हारा दिमाग ना एक फटे हुए रिकॉर्डर की तरह हो गया, जिसका कांटा एक ही जगह पर अटक गया है। You want to touch me? तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तुम मेरे भी। Let me tell you for one last time, I am not interested in you. Okay? Okay, mentor. मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या सीन चल रहा है। हेलो, किस ट्रांस में चली गई? हाँ, मैंने गुगली फेंकी और पहली बॉल पे बोल्ड हो गई। एक बात समझ लो, ये साइलेंट जोन में जाके ना तुम मुझसे नहीं बच सकती, समझी? और हाँ, तुम्हारे और भाई के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि वह आज ही खत्म हो जाए, राइट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड? Why should I understand? You understand? तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले कि मैं इससे बात करूं, उससे बात नहीं करूं? मेरी जिंदगी है, मुझे जो मन में आएगा वो करूंगी। Now you understand that? ओहो, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया? ये आर्गुमेंट करके तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे भाई और तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ सीन जरूर है, राइट? तुम कौन हो? मेरी मम्मी हो, मेरे पापा हो, मेरे भाई हो, तो कैसे डिमांड कर सकते हो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें बताऊं? कुछ नहीं बताऊंगी, गॉट इट? ओहो, ठीक है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर हैं और मैं तुम्हारा गेम प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। बड़ी चलाक हो, हाँ? पहले मेरे पीछे पड़ी थी, डाल नहीं गली तो मेरे भाई के पीछे पड़ गई। बट कैंड ऑफ अ गर्ल यू आर? आई एम अ वेरी नाइस काइंड ऑफ अ गर्ल, लेकिन तुम तुम्हारे दिमाग में ऐसा भूसा भर रखा है और तुम्हें सिर्फ इसी बात का ध्यान रहता है कि ये इसके पीछे, वो उसके पीछे, मैं उसके पीछे, और कुछ ध्यान नहीं आता तुम्हें। आता ना ध्यान? तुम्हारा ये चेहरा जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ। जैसी मेंटल केस के लिए जब से मिली हो, मेरी लाइफ की सेटिंग बर्बाद कर दिया तुम्हें। तुम्हें पता है कि मैं कितने शांत स्वभाव की लड़की हूँ, तुम किसी से भी जाकर पूछो, लेकिन जब तुम मेरे सामने आते हो मेरा दिमाग ऐसा घूम जाता है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरा मन करता है तुम्हारा जान छोड़ूं। और तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे बल्ले बल्ले करने का मन करता है। इस मेंटल केस के लिए कहाँ जा रही हो? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या चल रहा है, और जो कुछ भी चल रहा है उसे खत्म करो अभी के अभी। तुम्हारे और मेरे भाई, मेरे और तुम्हारे भाई के बीच में ये जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, समझे तुम? पक्का? By the way, तुम पहले मुझे बता, ऐसी झूठी झूठी खबरें तुम्हारे दिमाग में डाली किसने? ये सब जो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे भाई ऋषभ जी और मेरे बीच में ये जो सीन चल रहा है, कि किसने कहा तुम्हें?